एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी क्लास 9, ठीक है, रिमेनिंग थ्योरम पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 से डिवाइड मारते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो रिमेनिंग थ्योरम क्या बताए थे कि जिससे भी डिवाइड मारना उसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो जो एक्स का जो वैल्यूज मिलेगा, ठीक है, जो जीरो होगा वो क्या करेंगे बारी बारी से पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आएगा वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम कहता है किसे डिवाइड मार रहा है, एक्स प्लस 1 से, तो क्या करेंगे इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा -1, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू आ गया। अब नाउ पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ मेरा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1, ठीक है, तो क्या बोले एक्स का कितना रखेंगे, जो मेरा पी ऑफ -1 का जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, किसका, जब हम एक्स प्लस 1 से इस वाले एक्सप्रेस में डिवाइड मारेंगे, तो पी एफ -1, तो एक्स के क्या जगह क्या रखेंगे -1, तो -1³ + 3 × -1² = 2² + 3 × -1 और ये +1, ठीक है, तो -1³ पावर कैसा है और है, तो जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दी, 1³ कितना 1, फिर यहाँ पे डिग्री कितना कैसा है इवन है, तो इवन का स्क्वायर क्या होता है हमेशा प्लस में आता है, तो ये तो कन्फर्म है कि प्लस आएगा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 × 1 = 3, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर कितना है तो 0, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर रिमाइंडर, देखो क्या एक्स माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू कितना आएगा मेरा 1/2, सेम तरीके से तो पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 9, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना x³ + 3x² + 3x + 1, क्या करेंगे एक्स का कितना रखेंगे प्लस हाफ, ठीक है, तो पी ऑफ हाफ कितना होगा एक्स की जगह 1/2, तो 1/2 का क्यूब है तो क्यूब लिखे प्लस 3 × 1/2² + 3 × 1/2 और ये प्लस 1, ठीक है, अब 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 × 1 कितना होगा 3, तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 3/4 हो गया प्लस 3 × 1 = 3/2 और ये प्लस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 4 = 8 का एलसीएम कितना आएगा 1 × 2 = 4 का एलसीएम, जो मैक्सिमम कौन है इसमें 8 है, ठीक है, क्या 8 को सब डिवाइड मार रहा है, 8 को 8 डिवाइड मारेगा, ठीक है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 1 के टेबल में भी 8 आता है, इसलिए एलसीएम कितना होगा मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं 8 का टेबल बनाना शुरू करते हैं, 8 का मल्टीपल क्या होता है इसका एलसीएम होता, ठीक है, लेकिन 8 को डिवाइड मार रहा है इसलिए एलसीएम कितना हो गया 8, 8 के टेबल में 8 कितना बार 1/1, 4 के टेबल में 8 कितने बार 2/2, 3/6, फिर 2 के टेबल में 8 कितने बार 4/4, 3/12, प्लस 1 के टेबल में 8 कितने बार 8/1, 8/8, ठीक है, तो 12 × 8 = 20, 20 + 7 = 27, तो 27/8 दिस इज मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 27/8, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करना है, x से डिवाइड मारना, तो क्या बोले थे इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, जीरो जी मिलेगा, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, 0/1 कितना 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 0, तो p ऑफ जो 0 होगा वो क्या होगा मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है, तो क्या x का जगह 0, तो 0 का क्यूब 0 प्लस 3 × 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 × 0 डेट इज 0 प्लस 1, तो ये होल टर्म 0 1, देयरफॉर
जो रिमाइंडर आया वो कितना आया मेरा इस केस में 1। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 4, किसे डिवाइड करना है x प्लस पाई से, तो क्या करेंगे x प्लस पाई को 0 से इक्वेट करेंगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो प्लस पाई उस जगह कितना हो जाएगा मेरा माइनस पाई। ठीक, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मतलब माइनस पाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई और फिर ये प्लस 1, तो माइनस का क्यूब माइनस में आएगा माइनस पाई क्यूब। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा तो प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, तो ये जो हो गया मेरा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 5 प्लस 2x। ठीक है, क्या करेंगे इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो 2x पहले कांस्टेंट को हटाना है, तो क्या है प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा मेरा माइनस 5 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू कितना आया मेरा माइनस 5/2। कुछ नहीं करना है, तो देखो इसका x का वैल्यू लेना अंदर। ठीक है, तो 2x प्लस 5 था, पहले देखो कांस्टेंट कितना है 5 था, तो उल्टे साइन के साथ लिखना है, प्लस में था तो माइनस 5 लिखें। ठीक है, अब जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या 2 था तो 2 डिवाइड में आ गया, तो डायरेक्ट ले सकते हैं जो x का वैल्यू है वो कितना आएगा माइनस 5/2। मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल होता कैसा होता, तो 2x प्लस 3 होता मान लो। ठीक है, ये होता, अब बोलता है x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना, x का वैल्यू कितना होता पहले कांस्टेंट को देखो कितना है प्लस 3 है, तो क्या करेंगे माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, उल्टे आसानी के साथ माइनस 3 लिखे, अब जो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या है डिवाइड में आया था, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरा माइनस 3/2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे होता 1/3 एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता, तो क्या करते हैं, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको उल्टा साइन के साथ लिखते हैं, माइनस 2 है तो क्या आएगा मेरा प्लस 2 आएगा। ठीक है, उल्टा साइन। ठीक, अब ऐसे भी सोच सकते हैं एक्स के साथ 3 क्या है डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़ो एक ही कंसेप्ट रखो, क्या करेंगे जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा वो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है तो 1/3 है, तो 1/3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3, और ये 3 क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6, तो जो x का वैल्यू आएगा यहाँ से वो कितना आएगा 6 आएगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो करके देख सकते हो, क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे, अब माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय x कितना आएगा 2 इक्वल टू में माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 आएगा, अब 3 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 6। देखो ऐसे भी कितना आया 6 आया, ऐसे भी कितना आया 6 आया, कुछ भी रहे आराम से कर सकते हो। जैसे 7ax प्लस बी है, ठीक है, अब यहाँ से पूछे x का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे जो कांस्टेंट है क्या है b है। ठीक है, प्लस साइन के साथ क्या करेंगे माइनस साइन का, तो माइनस बी हो गया, अब x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, तो ये पूरा 7 है, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा मेरा माइनस बी बाय 7a। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, देखें यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, तो 5 प्लस में तो क्या किया उल्टे साइन के साथ लिखे माइनस 5, फिर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है प्लस 2, तो वो कहाँ चला आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा ऐसा होता तो क्या होता, जैसे माइनस 3x प्लस 7 है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो क्या बोले हम पहले कांस्टेंट को देखो क्या है प्लस 7 है, तो कितना आता मेरा माइनस 7 आता। ठीक है, अब जो x के साथ वो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है डिवाइड में, तो x के साथ क्या है माइनस 3 है ना, तो ये माइनस 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया मेरा माइनस 3 और ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो कितना हो गया मेरा 7/3, तो यहाँ से जो x का वैल्यू होता वो कितना होता है मेरा 7/3 क्या प्लस में, निकल के देखना निकल के देख सकते हो, इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, ये प्लस 7 उधर जाएगा क्या होगा माइनस 7 होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई में जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो माइनस 7/-3 यही आता है मेरा। ठीक है, तो आंसर कितना था मेरा 7/3। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू इतना ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या निकालना है पी ऑफ माइनस 5/2, और ये जो पी ऑफ माइनस 5/2 का वैल्यू होगा वही क्या होगा द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो पी ऑफ माइनस 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 5/2, तो x क्यूब मतलब क्या माइनस 5/2 का क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर
तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह माइनस 5 बाय 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 बाय 2, फिर प्लस 1। ठीक है, अब माइनस का क्यूब बताए थे अगर पावर क्या हो, ऑड हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, मेरा माइनस में आएगा। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना 125, ठीक है, डिवाइड बाय 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, दोनों का क्यूब अलग अलग किया, 5 का क्यूब ये हो गया, 2 का क्यूब ये हो गया। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर क्या बताए, पावर क्या है, इवन है, इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, और ये बाहर प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। अब ये बताओ 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में था तो 25 3 जा 75, फिर नीचे 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, नीचे कितना है 2 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम बोलो, अभी बताए थे कितना आएगा एलसीएम 8। ठीक है, ये 8 हो गया, 8 के टेबल में 8 कितने बड़े हैं 1 बड़े हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 125, फिर प्लस 4 के टेबल में 8 कितना हुआ 2 टाइम्स, तो 75 टू जा 150। ठीक है, फिर माइनस 2 के टेबल में 8 4 बार में 15 4 जा 60, फिर ये प्लस 8। ठीक है, अब माइनस वाला को ऐड कर देते हैं, ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस 185। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये माइनस 185, ठीक, और ये प्लस 158, ठीक, डिवाइड बाय 8, माइनस कर दो क्या, प्लस ये माइनस, तो दोनों बड़ा कौन है, ये इसके पीछे माइनस, तो ये माइनस 27 बाय 8, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो इस केस में रिमाइंडर कितना आया मेरा माइनस 27 बाय 8। इसमें क्या करना, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है कब, जब इसको डिवाइड मारते हैं किससे, एक्स माइनस ए से। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर क्या होगा, तो देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है, पी ऑफ एक्स किसे डिवाइड माना है, एक्स माइनस ए से, तो क्या करते हैं, नाउ एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बताए थे, ऐसे भी कॉन्स्टेंट है, उसको लिख लो उल्टे साइन के साथ। ठीक है, अब पी ऑफ ए, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए होगा वही क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब ए का क्यूब माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का कितना ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस 6a माइनस ए, यहाँ बताओ a का क्यूब a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना 3, प्लस 6 है और ये माइनस a, a क्यूब प्लस में था a क्यूब माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 6a में से क्या कितना आएगा 5 है। ठीक है, तो ये हो गया क्या रिमाइंडर, कितना है मेरा 5a। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, फैक्टर बताना है, फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर बताने के लिए बताया था क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो क्या होगा, मेरा फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है, ये दिया हुआ है, अब डिवाइड कैसे करना है, तो क्या बताया था, नौ 7 प्लस 3x इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरा माइनस 7 बाय 3, कॉन्स्टेंट कितना है प्लस 7, तो क्या किया माइनस 7 लिखे, x के साथ मल्टीप्लाई में किया 3, तो 3 का आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या करते हैं अब, देयरफॉर जो p ऑफ माइनस 7 बाय 3 का जो वैल्यू होगा वो कितना आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स है कितना माइनस 7 बाय 3 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 बाय 3। ठीक है, यहाँ पे 7 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, यहाँ पे 7 ये मल्टीप्लाई होगा से तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 7 स्क्वायर होगा और यहाँ पे 3 है, कभी भी कैंसिल आउट होगा नहीं होगा ना। ठीक है, और वैसे भी ये क्यूब है और ये माइनस में, तो माइनस का क्यूब क्या इतना कितना आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस में आएगा, दोनों सेम के साइन, सेम साइन के साथ है, तो कभी भी जीरो
नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस दिख गया हमको कि जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर प्लस थ्री एक्स है तो सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्या, थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था मेरा एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। 2.3 क्या हो, कंप्लीट हो गया।